वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं ब्रह्मा कुमारी सटलादरा द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के लिए महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर नारी शक्ति महासम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत सरकार के इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मा कुमारी सटलादरा सेवा केंद्र पर यह महासम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें वडोदरा आंगनवाड़ी की 700 महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर कमिश्नर दिलीप राणा, डिप्टी कमिश्नर अर्पित सागर, ICDS की प्रोग्राम ऑफिसर अंबिका जायसवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी अरविंद पांचाल, प्रकाश केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप शाह, योगाचार्य दुष्यंत मोदी शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा दीदी ने सभी अतिथियों और 700 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया वो सुनिए। सवेरे 10 मिनट आँख खुलते ही परमात्मा को, जिस चीज को मानते हो, गुड मॉर्निंग करो भगवान को, है ना। और ये सोचो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर की कुल देवी हूँ। 11 बारी सोचना, कितनी बारी? 11 बारी। और रात को सोते समय 11 बारी, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर की कुल देवी हूँ। रात को सोते सोते यही सोच से सो जाना, देखना आपके घर में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ेगी। आपके स्वभाव में भी बहुत सारा परिवर्तन आएगा, संस्कार बदलेगा, संस्कार बदलेगा तो भाग्य भी, कर्म भी बदल जाएगा तो भाग्य भी बदल जाएगा, समझे। बिना संस्कार बदले कर्म नहीं बदलता है बहने, और जब तक कर्म नहीं बदलेगा तो भाग्य कैसे बदलेगा। और आपके अंदर एक गुण आया तो आप चाहे अपना बच्चा हो चाहे आंगनवाड़ी का बच्चा हो, आप कैसे रखोगे उसको? प्यार से। हर एक के अंदर एक देवत्व देखना, एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान देखना, एक छोटी सी आत्मा देखना। अरुणा दीदी के बाद ICDS की प्रोग्राम ऑफिसर अंबिका जायसवाल ने कहा कि हम इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानसिक सशक्तिकरण के लिए आगे भी राज्युक्त सत्रों का आयोजित करने का प्लान करेंगे। आज नारी वंदन जो हमारा पूरा वीक चल रहा है, एक सप्ताह चल रहा है, उसमें मेरी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सारी बहनें जो बहुत बहुत ही महत्व की भूमिका निभा रही है, हमारे आंगनवाड़ी में आने वाले छोटे छोटे बच्चों, जिनकी आप माता यशोदा की भूमिका आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो। आप सभी को इतना काम है, इतना स्ट्रेस रहता है, तो हमने सोचा, हमारे खास करके म्युनिसिपल कमिश्नर श्री दिलीप सर, राणा सर, अर्पित मैडम, उन्होंने कहा कि अंबिका अभी हमको भी कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सबसे पहले तो मैं अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारी बहन है उनको सबसे पहले ये मौका देना चाहूँगी मैडम, बाद में दूसरे का अरेंजमेंट करूँगी। तो आज मैडम ने दूसरों को बोला था कि जितने भी वर्किंग वूमन्स हैं उन लोगों को लेकर आओ, तो मैंने बोला नहीं, पहले मेरी कार्यकर्ता, मेरी वर्कर्स, मेरी हेल्पर्स, उसके बाद फिर हम दूसरों का प्लानिंग करेंगे। मेरे 7 डेज का कोर्स दीदी ने मुझे 1-to-1 करवाया है और उससे मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही परिवर्तन आया। और मैं, और सबसे बड़ा ये तो ये है कि मुझे उन्होंने ये जो मुरली सुनने का सुबह का जो मुझे दिया है, मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि मैं मुरली नहीं सुनता हूँ। तो जैसे जैसे आप ये विश्वविद्यालय का परिचय में आएंगे और जितना अंदर जाएंगे, जितना आप इसके लिए आप मेहनत करेंगे ये आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने के लिए, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ा कोई मौका नहीं है। और आपको, हमको, हम सबको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है परमात्मा ने भेजा हुआ, ये सारी बहनें हैं। मानसिक सशक्तिकरण के अलावा सम्मेलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगाचार्य दुष्यंत मोदी ने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास भी कराया।